Okay, so this is Barbican station and I'm going to my office. So this place is called Barbican because this is enclosed by a big wall. So Barbican means an enclosure, and there are different things here. People live here, like these buildings, and there are offices, there are cafes, there is a museum, I believe. Yes, no, there is a museum called London Museum, and there is a small lake I'll show you, and you can also go to London Wall, landing place for office. देख के आते हैं वहाँ पे जो वो जो गांधी वाला जो है क्या बताऊँ वहाँ पे कुछ देख के आइडिया लग जाएगा ना कि वहाँ पे कुछ अरेंजमेंट हो भी रहा है नहीं हो रहा क्या बताऊँ वहाँ पे खाने पीने का प्रोग्राम हो कल है आज 6 बजे आज शाम को है 6 बजे गिल्ड हॉल क्या बताऊँ वहाँ पे शाम को कुछ मटर पनीर शाही पनीर ऐसा मिल रहा हो क्या पता गुजराती खाना मिल रहा हो लेकिन वो पैसे देखे कुछ पता नहीं होता भाई पैसा बहुत है लोगों के पास जब धूप निकलती है तो ऐसे चमचमाती है बिल्डिंग अच्छी लगती है यहाँ बन रहा है क्रॉस रेल का स्टेशन और ये स्टेशन इतना बड़ा होगा कि यहाँ पे जो ट्रेन आएगी ना मोर गेट पे ये 12 घंटे तक उसका प्लेटफॉर्म होगा मेरे ख्याल से टेम्परेचर ज़्यादा ऐसा लग रहा है 5-6 हो लेकिन दिखा 14 है हवा चल रही है ना मेरे ख्याल से गिल्ड हॉल तो यही है अब आपको दिखाते हैं गिल्ड हॉल अरे वाह कुछ शादी वादी हो रही है क्या यहाँ पे वो बैठे फोटो खिंचवा रहे हैं भाई साहब कोई आई हुई है क्या पता नहीं कौन थे वो लोग चलो हमको पता नहीं चला गिल्ड हॉल का कि वहाँ पे प्रोग्राम है या नहीं लोग तो मेरे ख्याल से शायद नॉर्मल ही थे जो इनवाइटेड थे मतलब रॉयल फैमिली के लोग ऐसे थोड़ी घूमते हैं खुले में लेकिन हो सकता है वो लोग होंगे क्योंकि उनकी सिक्योरिटी थी वो जो लोग गाड़ी में बैठ रहे थे उनकी मेरे ख्याल से शायद सिक्योरिटी तो थी ओके सो आई एम गोइंग टू मीट माई फ्रेंड थॉमस एंड वी यूजली मीट एट Granary Square इट्स नाइस प्लेस वेयर दे हैव कैनाल एंड यू कैन बाय ड्रिंक फ्रॉम वेट्रोस एंड टुडे द वेदर इज सरप्राइजिंगली गुड दिस इज गूगल बिल्डिंग दिस इज अ गूगल बिल्डिंग इन दीज टावर्स आई थिंक आई शोड यू दिस इज अ प्लेस आई वाज टॉकिंग अबाउट So I'm waiting for my friend and this is usually where we meet. So we'll not sit here, we'll first go to Waitrose and we'll get some drinks or maybe something to eat. I'm a bit hungry. So there is an app called City Mapper. So if you look at this app, it will tell you, so you can share your position, your life position, and it will tell you on this map where your friend is exactly. And you can do the same thing with WhatsApp. I think there is an option to share. And now my friend Thomas is here. Hi Thomas, how are you? I'm right, thanks. And he has brought this wine. Is it for me? Yeah, it's your birthday. Oh, thank you very much. Really? Chocolate? Yeah. Chocolate is my favorite wine. Thank you very much. Since last month. And I get you one of these as well. Oh, thank you very much.